आखिर रवि किशन भैया ने ऐसा क्या कह दिया जो खत्म हो गया पवन सिंह और खेसारी का झगड़ा। लो भैया, इस बात का खुलासा भी हो गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पवन सिंह और खेसारी के झगड़े को खत्म करने के लिए रवि किशन ने कौन सी चाल चली। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच का झगड़ा फाइनली खत्म हो गया है। रविवार का दिन भोजपुरी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक रहा। रविवार को एक अवार्ड शो में दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को गले लगाकर सारी लड़ाइयों को खत्म कर दिया। दोनों की दोस्ती सीनियर एक्टर रवि किशन ने करवाई। पवन और खेसारी की सुलह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी का माहौल है। इस बीच रवि किशन ने आज तक से बातचीत की। रवि किशन ने बताया कि उन्होंने खेसारी और पवन की दोस्ती करवाने का फैसला आखिर क्यों किया। उन्होंने कहा, छोटे भाई हैं मेरे सारे जूनियर हैं। मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में चल रहा था मनमुटाव, तमाशा ना बने भोजपुरी सिनेमा का। हमने इतनी मेहनत करके यहाँ पर बनाया, मैंने इस पर तपस्या की है, फिर वो लोग मुझे बहुत मानते भी हैं, हमारी बात का सम्मान करते हैं। और दोनों अलग अलग बैठे थे, हम दोनों को बुलाए, दोनों आए तो दोनों का हाथ मिलवाया, गले मिलवाया। इसके आगे रवि किशन कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि मुट्ठी साथ में रहती है तो लोग तोड़ नहीं पाएंगे, अलग रहोगे तो उंगली तोड़ सकते हैं। फिल्म फेयर जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया आप लोगों को। भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती जा रही है, आप लोगों के साथ और बड़ी हो जाएगी, इसको बड़ा करें आप लोग। सबने मेरी बात का सम्मान किया और गले मिले। दोनों की लड़ाई और जात बिरादरी ध्वस्त हो गया। कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती और आज सब जगह पर बहुत सम्मान हो रहा है। फिर आपको बता दें कि खेसारी और पवन सिंह ने रवि किशन की बात मान ली। इस पर रवि ने कहा, प्यार करते हैं वो लोग हमको, उनका पता है कि भैया का कोई इसमें मतलब नहीं था, तो मतलब लोग उसमें आग लगाते हैं। शिव भक्त आदमी हूँ, सावन का महीना है तो मैं आपको शांत ही करूँगा। फिर सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के वीडियो और फोटो फिलहाल वायरल हो रहे हैं। इस पर भी रवि किशन से सवाल किया गया कि क्या दोनों स्टार्स में से किसी के फैन ने उन पर गुस्सा किया या उन्हें कुछ कहा, तो जवाब में रवि किशन ने कहा, नहीं नहीं, सब बहुत खुश हैं। दोनों के फैंस बहुत खुश हो गए। दोनों की लड़ाई कहां से शुरू हुई वो सब मुझे नहीं पता। मुझे पता चला था कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई है। मुझे लगा दोनों को मिलवाना चाहिए तो मैंने दोनों को मिलवा दिया। हालांकि इस बात के ऑपोजिट खेसारी और पवन की दोस्ती को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने भी बातचीत की थी। रानी का कहना था कि दोनों की दोस्ती ढोंग है, दोनों की लड़ाई भी ढोंग थी, ये दोनों चीजें पब्लिसिटी स्टंट हैं। अब भैया, बात चाहे कुछ भी हो, लड़ाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन गले मिलने वाला ये फोटो देखकर तो खेसारी और पवन के फैंस हो गए हैं काफी ज्यादा खुश। आप कितने खुश हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।